Hello everyone, welcome back to my channel। दोस्तों आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही यूनिक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम मैंने रखा है ग्रिल पेपर विथ चीजी कॉर्न। इसे घर पे बनाना बहुत आसान है और ये बन भी जाता है बहुत जल्दी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए चलिए देख लेते हैं। हमें चाहिए एक कैप्सिकम, आप रेड ग्रीन येलो कोई भी कलर का कैप्सिकम यूज कर सकते हो, थोड़ा सा नमक, एक टेबलस्पून बटर और थोड़ा मोजरेला चीज, हाफ कप से थोड़ा सा ज्यादा स्वीट कॉर्न, हाफ टी स्पून लहसुन का पेस्ट, एक मीडियम साइज चॉप्ड व्हाइट अनियन, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर या फिर व्हाइट पेपर पाउडर, और चाहिए अराउंड एक टेबल स्पून हनी। तो सबसे पहले हम कैप्सिकम को काट लेंगे। आप कैप्सिकम को ऐसे ऊपर से भी काट सकते हो या फिर ऐसे थोड़ा सा नीचे से भी काट सकते हो। कैप्सिकम के अंदर अगर सीड रह जाए तो उसको भी हम साफ कर लेंगे। अब हम एक कढ़ाई या फिर फ्राइंग पैन में एक टेबलस्पून बटर ऐड करेंगे। बटर अच्छे से मेल्ट हो जाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून लहसुन। लहसुन को हम लाइटली फ्राई कर लेंगे। लहसुन फ्राई होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड प्याज। प्याज को हम 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में लाइटली फ्राई कर लेंगे। प्याज के फ्राई होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 से 2 चुटकी नमक। नमक हमें बहुत ही कम ऐड करना है। नमक को हम प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे स्वीट कॉर्न। कॉर्न को थोड़ा सा स्टर कर लेंगे और फिर हम इसको कुक करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में। कॉर्न को कुक कर लेने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून ब्लैक या फिर व्हाइट पेपर पाउडर। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। सबसे आखिर में हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून हनी। हनी को कॉर्न के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 से 1.5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में कुक कर लेंगे। स्टफिंग के लिए कॉर्न रेडी हो चुका है तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। कैप्सिकम को ग्रिल करने से पहले हम कैप्सिकम के आउटसाइड में हल्का सा ऑयल या फिर बटर ग्रीस कर लेंगे। अब हम कैप्सिकम के अंदर थोड़ा सा चीज ग्रेट कर लेंगे।
ग्रेटेड चीज के ऊपर हम ऐड करेंगे कॉर्न को। कैप्सिकम को पूरा नहीं भरना है क्योंकि हम कॉर्न के ऊपर चीज का और एक लेयर ऐड करेंगे। कैप्सिकम में जितना भी स्पेस बचा हो उसको हम फिल कर लेंगे ग्रेटेड चीज से। कैप्सिकम को हमने रेडी कर लिया है ग्रिल करने के लिए। आप इसको ओवन में भी ग्रिल कर सकते हो, पर मैं आज इसको ग्रिल करूंगी गैस पे। गैस के ऊपर एक स्टैंड रख के उसके ऊपर कैप्सिकम को रखिए और एकदम लो फ्लेम में इसको ग्रिल कर लीजिए। नीचे का पोर्शन ग्रिल होने के बाद अब इसको ऐसे टर्न कर लीजिए ताकि साइड भी ग्रिल हो सके। कैप्सिकम फुल्ली ग्रिल्ड हो चुका है तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं। ग्रिल्ड पेपर को सर्व कीजिए अपने पसंदीदा सैलेड के साथ और सर्व करने के टाइम ऊपर से थोड़ा सा चीज ग्रेट कर लीजिए। तो आई होप दोस्तों कि आप सबको रेसिपी पसंद आई है, और अगर पसंद आई है तो इस रेसिपी को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके इस रेसिपी को शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। थैंक यू।